हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लेकर आ चुके हैं आपका कला कक्षा छठवीं का विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। ये आप देख पा रहे होंगे 10 तारीख को, जो आपका 10 अप्रैल को क्वेश्चन पेपर होने वाला है। कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, प्रश्न 1 से 24 तक आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और बता दें, यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और आप इससे पहले की वीडियो देखोगे हमारे चैनल पर, तो क्लास 7th की डली थी, लेकिन ये पहली वीडियो है क्लास 6 की। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर ये रियल है नहीं है, तो लगभग हज़ारों स्टूडेंट्स ने कमेंट कर चुके हैं मेरे पास, लेकिन सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सब लोग जानते होंगे, वीडियो भी बनाना रहता है। इसके रिगार्डिंग यदि आप चाहते हो कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो तो वहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, तो आप चाहते मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी कमेंट, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो वहाँ पर। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सॉल्व करिए, किस तरीके से सॉल्यूशन इसमें भी बताया गया है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न, व्यंजन वर्णा नास्ति। तो यहाँ पर व्यंजन वर्णा आपको देखिए, स्वर होता है और एक होता है व्यंजन होता है, यानी कि व्यंजन इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें व्यंजन क्या नहीं है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि ये ऋषि तक क्या होता है, स्वर होता है, और यहाँ से का से चा था तक क्या होता है, वर्ण होता है, व्यंजन होता है ना। तो ये क्या, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यंजन वर्णा नास्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप इसका उत्तर कर लोगे। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालिका इति शब्दे का लिंग अस्ति। तो बालिका में कौन सा है लिंग, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी में नपुंसक लिंग, और ऑप्शन डी में एतिसु कुआपिना, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर बालिका इति शब्दे का लिंग अस्ति, तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। चलिए अगला देखिए, सहाका है ना। तो शाह का तो ऑप्शन ए है शिक्षिका, ऑप्शन डी बी है नरा, ऑप्शन सी है गोलदीप, और ऑप्शन डी है चपका। तो शाह का तो ये हो जाएगा शिक्षिका। चलिए अगला देखिए, मुकेन किम कुर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है चलाम, ऑप्शन बी है कार्यकुर्मा, ऑप्शन सी है खदाम, और ऑप्शन डी है स्वाध्याम, है ना। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर करोगे ऑप्शन बी, कार्यकुर्मा। चलिए प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं कि भोपाल नगरम राजधानी अस्ति। यहाँ पर ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ प्रदेश। तो भोपाल नगर है, तो भोपाल की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न 5 के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हो सर ये रियल पेपर है कि नहीं, ये आप पेपर देकर दे लेना। यदि आपका सेट क्लास 6 का जो आपने अभी पेपर दिया है सेट ए आता है, तो आपका यही क्वेश्चन पेपर आएगा। ओके, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। फिर भी अगर आपको बात करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप कोई भी जो आपका डाउट हो वो मुझे आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पर प्रश्न चाहे, युद्धे रामेण का हता। ऑप्शन ए है कंस, ऑप्शन बी है जरासन, ऑप्शन सी है रावणा, और ऑप्शन डी है दुर्योधन। तो युद्धे रामेण का हता, तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रावणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, वानरा वृक्षे तिष्ठति, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है लिखितवा, और ऑप्शन बी है हसितवा, ऑप्शन डी है कुदितवा, और ऑप्शन डी है पठितवा। तो वानरा वृक्षे क्या होता है, तो वानर वृक्ष पर क्या करता है, कूदता है, यानी कि कुदितवा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है आप क्या करोगे, तो ये होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, धारा नाम नगरी अस्ति। तो धारा नाम किस नगरी का है, यानी किस नगर को हम धारा नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है महाकाली क्षेत्र, ऑप्शन बी में है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी है बघेलखंड क्षेत्र, और ऑप्शन डी है मालवा क्षेत्र, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मालवा क्षेत्र। चलिए अगला देखिए, वयम रचित श्यामा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दुर्जनाम, दुर्जनान, दानवान, सत्रन, और सज्जनान। तो वयम रचित श्यामा, तो ये हो जाएगा दुर्जनान। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न 10, मुखे मृगा ना प्रविशंति। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सिंहस, ऑप्शन बी में है व्याघ्रस, ऑप्शन सी में गजस, और ऑप्शन डी में ब्रसबस। तो मुखे मृगा ना प्रविशंति, इसका सही उत्तर करेंगे आप ऑप्शन ए, सिंहस। तो यहाँ पर आपको लिखना भी है, ऐसा नहीं टिक करके आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, सिंह हस,
ठीक है। इस तरीके से प्रश्न 1 से 10 तक के उत्तर आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 से 20 तक आपको दिए गए हैं, लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सा शब्दस्य प्रयोग कस्मिन् लिंगे भवति, तो ये प्रश्न 10 है। एक बार प्रश्न देख लीजिए फिर इनके उत्तर मिलेंगे आपको। ये प्रश्न 12 है, ये आपका 13 है, ये 14 है ना, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। तो आदिकवि का अस्ति, तो महाकवि कालिदासा आदिकवि अस्ति, इसका उत्तर आप यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। महाकवि कालिदासा आदिकवि अस्ति। भोजस्य नाम कैन कारणेन प्रसिद्धम, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। यहाँ पर तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है प्रश्न 23, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर हम 23 के बाद 22 देखेंगे, 21 देखेंगे और सभी प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 23 देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक तो ओके, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं। गूगल पर आपको सर्च करना है SKTeach, आपको सिर्फ यही सर्च करना है SKTeach Class 8 संस्कृत वार्षिक पेपर, तो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 23 दिया गया है, इसमें महोदय निवेदनम अस्ति यत मम गृहे आवश्यकम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यत निवेदनम अस्ति यत मम गृहे यहाँ पर क्या होगा, आवश्यक कार्यम अस्ति, इस दूसरे वाले में पहले भरना आप आवश्यक कार्यम अस्ति, तो यत मम गृहे अहम आवश्यकम, यहाँ पर आपको भरना अहम आवश्यक कार्यम अस्ति, अतः विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि। तो कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, अतः एक दिवस से स्वीकरोति, तो अतः एक दिवस से अवकाशम, यहाँ पर आपको कर लेना अवकाशम स्वीकृति है ना, विद्यालय आगंतुम ना, यहाँ पर आप क्या करोगे शक्रोमि, यहाँ पर आपको ये वाला कर लेना है शक्रोमि, ठीक है। अस्ति अयम विद्यालय, अतः अयम, यहाँ पर आपको अयम कर लेना है ओके। और आवश्यकम क्या है, तो ये कार्यम है, यहाँ पर आपका कार्यम हो जाएगा, तो यहाँ पर मम गृह अध आवश्यक, यहाँ पर स्टूडेंट गलती से पहले मैंने यहाँ पर अयम बता दिया था, तो आपको यहाँ पर अध करना है, ठीक है। यहाँ पर पहले में आपको अध करना है, ठीक है, पर दूसरे में आपको क्या करना है कार्यम करना है, तीसरे में आपको अयम करना है, चौथे में आपको करना है सक्रोमी, और पाँचवें में आपको करना है जो है आपका अवकाशम। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे तो ये आपका हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 22, तो ये प्रश्न 22 है, प्रथम दिवसे त्रयोदशा जना आभूषणानि गृहपत्राणि स्वर्ण रजता व क्रीडन्ति धनवंत रीति वैद्यराज अद्य एक पूज्यते, द्वितीय दिवस से चतुर्दशा विशेषता अस्ति सूर्योदयात प्राक अभंग स्नानम, तृतीय दिवसे अमावस्या जन धन देवी लक्ष्मी पूजयंती व्यापारिणा व्यापार पुस्तकानामि पूजनम कुर्वन्ती। यहाँ पर अब क्वेश्चन आ दिया गया है, प्रथम दिवसे त्रयोदशा जन किम किम क्रीडंती है ना, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखोगे, ये पूरा लिखना है यहाँ से, प्रथम दिवसे त्रयोदशा जन आभूषणानि गृहपत्राणि स्वर्ण रजतम व क्रीडंती, तो पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आ करके आपको इतना लिख देना है, यहाँ से लेके पूरा का पूरा इतना लिख दोगे। दूसरा देखिए, तृतीय दिवसे जना का पूजयंती, तो तृतीय दिवसे क्या जना पूजयंती, तो इसका उत्तर लिखोगे, तृतीय दिवसे जना तृतीय दिवसे अमावस्या जना धन देवी लक्ष्मी पूजयंती, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा आपको यहीं से यहाँ तक लिख देना है। आप देख पा रहे होगे, तृतीय दिवसे अमावस्या जना धन देवी लक्ष्मी पूजयंती। इसके बाद देखिए, के व्यापार पुस्तकानामिपि पूजनम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखोगे व्यापारिणा, तो कौन सी पुस्तक है वो है व्यापारिणा व्यापार पुस्तकानामपि पूजनम कुर्वन्ति, तो आप तीसरे का यहीं से आपको स्टार्ट करना है व्यापारिणा से और कुर्वन्ति तक कंप्लीट करना है ओके। इसके बाद देखिए के व्या, मैंने आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करवा दिया है। तृतीय के बाद ये द्वारा रखा है, द्वितीय दिवस से चतुर्दशा विशेषता का है ना, तो द्वितीय दिवस से चतुर्दशा विशेषता अस्ति सूर्यादयात प्राक अवंग्यम स्नानम, तो यहाँ पर आपको कर देना है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक लिख देना है। तो इस तरीके से आपको चार यहाँ से उत्तर मिल जाएंगे। पर इसके बाद है सूर्योदयात शब्द से संधि विच्छेद है ना, तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा सूर्य प्लस
तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 21, प्रश्न 21 है कि विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र बेधनम। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑप्शन पहला प्रश्न पूछा गया है कुत्र धनम विद्या, तो कुत्र धनम विद्या तो यहाँ पर कुत्र की जगह आप लोगों को विदेशेषु धनम विद्या, यहाँ पर कुत्र की जगह आपको लिखना है विदेशेषु, ये वाला लिखना है कुत्र की जगह विदेशेषु धनम विद्या। दूसरा देखिए केषु धनम मति है ना, तो केषु की जगह आपको लिखना है व्यसनेषु धनम मति, दूसरे का उत्तर लिखेंगे व्यसनेषु धनम मति। तीसरा देखिए परलोके धनम किम, तो परलोके धनम धर्मा, किम की जगह आपको लिखना है धर्मा, परलोके धनम धर्मा। अगला देखिए किम सर्वत्र धनम, तो किम की जगह आपको किम की जगह लिखना है शीलम सर्वत्र वय धनम, शीलम सर्वत्र वय धनम। इसके बाद देखिए धनम शब्दे किम वचनम अस्ति, यानी कि धनम में कौन सा वचन है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैंने बता दिया है, आपको हमारे जो आप गूगल पर जाना है SKT सर्च करना है, इसके आगे के प्रश्न को आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखना, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।